प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, प्रधानमंत्री गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में हुए शामिल, कहा आज के छात्र हैं आत्मविश्वास से भरे, छात्रों को शिक्षक ही दे सकता है सही दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में 2450 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास, कहा बीते 9 वर्षों में देश में जो प्रगति हुई है वो अद्भुत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम किया जारी, 87.33% विद्यार्थी हुए पास, लड़कियों का कुल पास प्रतिशत रहा 90.68%, वहीं 84.67 रहा लड़कों का पास प्रतिशत। रेलवे ने की अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण, आयु सीमा व शारीरिक परीक्षण में रियायत देने की घोषणा, अग्निवीरों को लेवल 1 की नौकरियों में 10% और लेवल 2 तथा उससे ऊपर की नौकरियों में 5% का दिया जाएगा आरक्षण। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसी भी गठबंधन में शामिल होने से किया इनकार, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, मीडिया के सवाल पर कहा बिजू जनता दल अपने दम पर लड़ेगा 2024 का लोकसभा चुनाव। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज, आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये दिवस। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश दौरा, 6ठे हिंद महासागर सम्मेलन में लेंगे भाग, इंडिया फाउंडेशन और बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय मिलकर इस सम्मेलन का कर रहा है आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जापान के दौरे पर, निगात में G7 देशों के मंत्रियों और बैंक प्रतिनिधियों की बैठक में हुई शामिल, बैठक के अलावा ब्राजील के वित्त मंत्री से भी की मुलाकात। चक्रवात मोखा की आगामी रविवार को 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश म्यांमार तट पर टकराने की संभावना, मौसम विभाग ने मछुआरों, जहाजों और नावों को मध्य बंगाल की खाड़ी में न जाने की दी सलाह। ताशकंद में चल रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय मुक्केबाज दीपक कुमार, मोहम्मद हुसामुद्दीन व निशांत देव खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबले।